गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9. सो वी विल रीड द यूजेस ऑफ इज, एम एंड आर. इज, एम और आर के यूजेस को हम लोग जानेंगे. सो वी यूज इज विथ सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स एंड द प्रोनाउंस ही, शी एंड इट. इज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर नेमिंग वर्ड. सिंगुलर यानी वन, तो नेमिंग वर्ड जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम लोग इज का यूज करते हैं. और किसके साथ करते हैं? प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी एंड इट. ही बॉयज के लिए, शी गर्ल के लिए, इट एनिमल या थिंग्स के लिए. तो ये तीनों क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उनके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द जिराफ इज अ टॉल एनिमल. जिराफ क्या है? एनिमल है. तो ये इज यहाँ पे सिंगुलर है, जिराफ एक है, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है. ओके, ही इज हेल्पफुल. ही यानी बॉय, सो ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन. देन वी हैव यूज्ड इज हियर. शी इज अ पेंटर. शी ऑल्सो इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, so is used here. It is a dog, so dog is also a singular pronoun, singular noun, sorry. तो ये यहाँ पे it के साथ is लगा है, ठीक है? Now children we will see the use of am, ठीक है? Am का use देखेंगे. Where we use am? Am को हम लोग हमेशा I के साथ use करते हैं. We use am with I, okay? नंबर वन इज आई एम अ स्टूडेंट. आई के साथ एम लगा है. आई एम ऑलवेज हैप्पी, अगेन एम लगा है. आई एम गोइंग कैंपिंग टूडे, एम इज यूज्ड हियर. आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है और कोई वर्ड नहीं लगता है. एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है.